तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और होने भी चाहिए। तो गाइस, ये देखिए मेरी मंदिर की टोपी, बहुत टाइम से सोच रही थी साफ करूँगी। देखो, क्योंकि कार्तिक चलता है ना, तो मैं जब कार्तिक होता है तो मैं ये सारी टोकरी मंदिर में ले जाती हूँ। अब मैंने देखो इसमें क्या क्या भर दिया। ये इसमें क्या है, तिल है, जो मेरे को पूजा के टाइम में कभी नहीं मिलते। मत करो, ये इसी को खाने की हो गई। और ये चावल है, साबुत खंडित चावल, पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए, तो ये साबुत चावल है। और इसमें भी चावल है, दोनों में चावल है, दोनों को एक में कर देती हूँ। खंडित चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। ये तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सब लोग ये कहते हैं कि भाई जब परेशानी होती है ना, तो लोग बाग भगवान जी को बहुत याद करते हैं, पर मेरा कुछ उल्टा है। जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, तो मेरा पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी पूजा पाठ में, जो कि मेरा 1% भी मन लग जाए। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। और जब मेरा थोड़ा सही हो जाता है ना, मन शांत और घर का माहौल अच्छा हो जाता है, तब मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है और पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है उस समय। और आज मेरे को माता के लिए लानी है हरी चूड़ियाँ। भैया देखो, सब ला रहे हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। और ये माता की उतरी हुई चूड़ियाँ थी नवरात्रों की, मैं इनको सिलाती नहीं हूँ, खुद पहन लेती हूँ माँ की चूड़ियाँ, क्योंकि भैया वो हमारी माँ ही तो हैं। और ये वाली जो चिमटी है ना, मैंने नई ले रखी जोत बत्ती आगे करने के लिए। ये आईब्रो वाली चिमटी नहीं है, ये मेरा कलावा है, ये मैंने बनाया था इतना लंबा टीका लगाने के लिए खुद अपने आप से। और ये मेरे खाली डब्बे हैं, ये भी खाली डब्बा है, सब वो कर दूँ। ये कार्तिक के टाइम में कान्हा जी की नज़र उतारते हैं ना यूँ करके, ये कार्तिक के समय, इसमें राई है, राई डेली हम नज़र उतारते थे। ये मेरा दिया है, और ये इत्र है, और ये वो है दक्षिणावर्ती शंख, ये मेरी गोपी चंदन, और इसमें मेरी कमलगट्टे की एक एक दाने वाली माला है। और ये रे मेरे कपूर, कपूर भी सब मिक्स हो गए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपनी ये साफ करूँगी, लेकिन भाई नहीं हो पाता मेरे से कुछ। आज ये सारा हटाऊँगी, ये मेहंदी है लगाऊँगी, ये बबूती रख रखी थी मैंने, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और इसमें देखती हूँ क्या है, इसमें लौंग है, लौंग कभी पूजा पाठ के लिए लौंग का यूज करती हूँ। हाथ सारा होगा। ये पता है क्या कर रहा था मैंने, कार्तिक में वो बांधते थे ना कच्चे सूत के धागे की, बहुत सारी बाती मैं नहीं बनाती थी वैसी वाली रुई की, मैं धागे की बनाती थी। बहुत दिनों से सोच रही थी साफ करूँगी। और ये मैं तुलसी माता में दिया लाई थी जलाने के लिए, माँ की जोत जगाने के लिए। और आजकल पता है मेरा पूजा का सारा सामान पता है ख़त्म हो रहा, सारा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये क्या है भाई, ये है मेरी चने की दाल बृहस्पतिवार के लिए, ये डब्बे खाली, ये पर्ची है। और आज मुझे पता है बैंक भी जाना है, बैंक में मेरा देखो कितना सारा कपूर गिर रखा है, ओ माय गॉड। सारी ये सारा मैं बहुत दिनों से सोच रही थी साफ करूँगी साफ करूँगी, तो आज प्रभु जी ने मौका दिया है और मैंने साफ कर। पता है आजकल पूजा में बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब है। मेरे पति है ना जो कितने दिन से आ रहे नहीं घर पे, तो मेरा ऐसा पूजा पाठ करने को दिल नहीं करता कि घर में को बहुत परेशानी हो और मैं पूजा पाठ करूँ। मैं कभी ऐसे पूजा नहीं कर पाती। अब ये सब मैं प्लास्टिक के डिब्बे में फेंक दूँगी, भाई बहुत सामान आ गया इसमें, कभी कभी ये पिन काम आ जाती है। इतनी मेरी टोकरी गंदी हो रही थी, इसमें एक कील भी है भाई। मेरी टोकरी पता है बहुत गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी भाई टोकरी साफ करूँगी टोकरी साफ करूँगी, तो आज फाइनली मैंने टोकरी साफ़ कर दी है। देखिए
या हवन सामग्री की है, मैंने इसमें सब मिक्स करके बनाया खुद अपने हाथों से। और अब ये पैन वैन पता नहीं सही है, अभी सही चल रहे हैं पैन सब। ऐसे तो गाइस मेरी टोकरी हो गई।